महेश्वर विधानसभा के राजकुमार मेयो को प्रत्याशी घोषित करने के बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने राजकुमार मेयो का पुतला फूंक दिया है। महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से घोषित भाजपा उम्मीदवार राजकुमार मेयो का जमकर विरोध किया जा रहा है। मंडलेश्वर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है। पुलिस चौकी के सामने मेयो का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी भी की। 2018 में भाजपा में बगावत कर चुनाव लड़ने वाले राजकुमार मेयो को उम्मीदवार बनाने का विरोध बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आने लगे हैं, वैसे ही पार्टी में अंदरूनी कलह होने लगी है। महेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी की घोषणा की है वो महेश्वर विधानसभा के वफादार और ईमानदार कार्यकर्ताओं की भावनाओं के विपरीत जाकर प्रदेश एवं केंद्रीय नेतृत्व संगठन को भ्रमित करके ये जो घोषणा हुई है वो गलत हुई है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इसका विरोध इसीलिए दर्ज करा रहे हैं। नहीं नहीं तो भाजपा का प्रत्याशी तो है, भाजपा ने प्रत्याशी घोषणा की है, अभी टिकट नहीं हुआ है और कार्यकर्ता अपनी भावनाओं से अवगत कराना चाहते हैं नेतृत्व को। मध्य प्रदेश ने 39 सीटों पर जिसमें महेश्वर विधानसभा से राजकुमार मेयो को प्रत्याशी बनाया गया है, उम्मीदवारों में फाइनल नाम बताया है। ये प्रत्याशी की घोषणा है, भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है, प्रत्याशी की घोषणा की है लेकिन चुनाव पूर्व जल्दबाजी में किया गया निर्णय लगता है, इसलिए कार्यकर्ता अपनी भावनाओं को बता रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा है कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि रहेगा, पार्टी का नेतृत्व तो बिल्कुल मानेंगे लेकिन पार्टी को सही और सत्य चीज भी अवगत कराना बहुत जरूरी है। चूंकि राजकुमार मेयो द्वारा पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा गया था, पार्टी को दो भागों में बांटा गया, उसके बाद में प्रत्येक चुनाव जो कार्यकर्ता के होते हैं उसमें उन्होंने प्रत्येक स्थान पर निर्दलीय चुनाव प्रत्याशियों के लड़ाए, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी का जनपद में बहुमत आने के बावजूद कांग्रेस से साथ समर्थन लेके कांग्रेस के साथ में समर्थन की उन्होंने जनपद बनाई। इसी तरह जिला पंचायत में भी जो 4 में से 3 भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के जो हमारे लोग जीते हैं वो भलई समाज के लोग जीते हैं लेकिन उनकी भी भावनाओं को आहत किया गया, उनको भी वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए उनके सामने निर्दलीय लड़ा है। पार्टी के प्रत्याशियों को हमेशा हराने का काम करा, पार्टी विरोधी गतिविधियों में हमेशा लिप्त रहते हैं, इसलिए पार्टी के वफादार ईमानदार कार्यकर्ता भाजपा के अच्छे प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं। आपकी नजरों में कौन है प्रत्याशी महेश्वर से? भारतीय जनता पार्टी का सर्वे हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करा है, कहीं न कहीं केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को भ्रमित करके ये जो घोषणा हुई है इसके लिए कार्यकर्ता अपनी मांग रख रहे हैं कि आप सही और उचित निर्णय लें और योग्य कार्यकर्ता को चिन्हित करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।